Hello students, good morning. In first class we have studied about some natural phenomena, lightning, charge, types of charge, methods of charging and charging by rubbing. In the first class we have continued, we have studied about that charging is done by mutual rubbing, and from that we will take an important note here in this class. We shall begin with the note. Let's take one important note from here. Note says that during rubbing, the charge which are developed on the two bodies are static charge. Static charge matlab charge at rest. These charges are not supposed to move by themselves. Ye apne aap se nahin chalde. But when the charge are forced enough to move, they produce electricity called static electricity or frictional electricity. ये आपने कई बार observe किया होगा when you come your home after travelling a lot और आप अपने door के metal handle को touch करते हो तो आपको एक हल्का सा electric shock लगता है, क्योंकि आपकी body जो अभी बहुत तेज bike या cycle चला के आए थे हवा में, आपकी body उसके साथ rubbing के साथ थोड़ा सा positively charged हो गई या negatively charged हो गई. आपकी बॉडी पर जो चार्ज था, जब आप मेटलिक हैंडल को टच करेंगे तो मेटल्स के अंदर चार्ज मूव कर सकता है और ये चार्ज मूव करेगा, आपकी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो किसी बॉडी पर चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है कि इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है. एन इलेक्ट्रोस्कोप इज कंसिस्टेड ऑफ ए ग्लास चैम्बर विच इज इवैक्यूएटेड. इसके अंदर से सारी हवा निकाल दी गई है, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, और एक टाइट कॉर्क की हेल्प से इसमें हमने एक कॉपर वायर को कनेक्ट किया हुआ है. दो लाइट एंड वेरी थिन गोल्ड फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम या गोल्ड की बहुत पतली पतली पत्तियां होती है जो फ्रीली सस्पेंडेड होती है. इन फॉयल्स को का अपर एंड कनेक्ट होता है, लोअर एंड फ्री होता है. इनको हमने एक कॉपर वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जिस बॉडी के चार्ज को डिटेक्ट करना है उस बॉडी को मैं यहां टच करवा देता हूं. जैसे ही टच करवाऊंगा बॉडी का चार्ज जिस कॉपर वायर के थ्रू मूव करेगा और इन दोनों फॉयल पर पहुंच जाएगा बाई कंडक्शन मेथड. तो ये चार्ज जब इन दोनों फॉइल्स पर पहुंचेगा तो बोथ द फॉइल गेट सिमिलरली चार्ज्ड. दोनों फॉइल सिमिलर चार्ज वाली हो जाएंगी और हमें पता है सिमिलर चार्ज रिपेल, तो दोनों फॉइल एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाएंगी क्योंकि ऊपर की तरफ से तो कनेक्टेड है बट नीचे से फ्री है, तो बोथ द फॉइल गेट डाइवर्ज्ड. जितना डाइवर्जेंस ज्यादा होगा बॉडी पर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा. तो अगर फॉइल में डाइवर्जेंस आता है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि दोनों बॉडी अगर फॉयल में डाइवर्जेंस और दोनों फॉयल में डाइवर्जेंस आता है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जिस बॉडी को हमने टच किया था उस पर चार्ज है. अगर डाइवर्जेंस नहीं आता तो हम कहते हैं इसके ऊपर चार्ज नहीं है. बट इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की नेचर नहीं बता पाता, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं बता पाता. ये बता तो पाएगा कि चार्ज है या नहीं बट कैसा चार्ज है नहीं बता पाता. अब हम बात करते हैं अर्थिंग की. अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चार्ज बॉडी से किसी भी चार्ज बॉडी से चार्ज को ट्रांसफर करते हैं टू अर्थ टू मेक इट डिस्चार्ज. किसी बॉडी पर जब ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली हो सकती है, उससे शॉक लग सकता है. तो टू मेक इट शॉक प्रूफ, टू मेक इट सेफ फॉर अस, हम इसके चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर कर देते बाय कनेक्टिंग द बॉडी टू द अर्थ यूजिंग ए मेटल वायर. एक मेटल वायर की हेल्प से उस बॉडी को मैं जमीन के साथ टच कर देता हूं. दिस इज कॉल्ड अर्थिंग. तो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ए बॉडी टू अर्थ बाय मींस ऑफ ए मेटल वायर टू ट्रांसफर इट्स चार्ज टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. अर्थिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको अर्थ किया जाता है ताकि कहीं अगर कोई वायरिंग जिसमें अंडरग्राउंड वायरिंग है अगर वो वायरिंग कहीं थोड़ी बहुत लीक भी कर रही है तो उस बॉडी का जो चार्ज है, जो बिल्डिंग पे आने वाला चार्ज है, डेवलप होने वाला चार्ज है, वो जमीन में चला जाए और हमारे लिए वो बिल्डिंग
शॉक प्रूफ रहे, उससे वे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ वी कम टू द मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग में होता क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ लाइटनिंग। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जब बॉडी, दो बॉडीज को हम चार्ज करते हैं तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब बादल पानी लेके समुद्र से उठते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी में तैर रही है, जब ये तेजी से आगे बढ़ती है तो दे म्यूचुअली रब विद देमसेल्फ एज वेल एज विद द एयर। और एक अननोन मैकेनिज्म से हम कह सकते हैं कि इन पर चार्ज डेवलप हो जाता है। अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ऊपर वाला हिस्सा ही क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है और नीचे वाला ही क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है। बट क्लाउड के अपर पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और लोअर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। साथ साथ जब हम नीचे अर्थ की सरफेस की बात करते हो, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास भी चार्ज इकट्ठा होता है। तो जो कोई टॉल बिल्डिंग है, एक ऊंची बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, कोई बड़ा सा पोल है या कोई अर्थ सरफेस है, वहां पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इस क्लाउड और अर्थ के बीच में होती है एयर। एयर इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। एयर इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये चार्ज को, अर्थ के चार्ज को बादल के चार्ज को से मिलने से रोकती है। बट जब अर्थ, बादल का चार्ज और अर्थ का चार्ज इतने लार्ज हो जाते हैं कि उनका अट्रैक्शन इतना जबरदस्त हो जाता है कि ये एयर भी उसको रोक नहीं पाती, इन दैट कंडीशन लाइटनिंग टेक्स प्लेस, बिजली गिर जाती है। और वी कैन से द चार्ज मीट, ये चार्ज मीट करते हैं और इस मीटिंग ऑफ चार्ज में एक बिग स्पार्क जनरेट होता है अलोंग विद इट लाउड साउंड। तो इस लाउड साउंड को हम थंडर और इस बिग स्पार्क को लाइटनिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड कहते हैं। तो एक बार फिर पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। व्हेन क्लाउड मूव थ्रू एयर, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर पार्ट गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ऑल्सो सम पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। Air is an electric insulator which resists the meeting of negative and positive charge of cloud and earth. But when accumulation of charge is quite large, air is no more able to, air cannot resist them from meeting. Yani jo attraction ho raha hai do charge ke beech mein, air usko rok nahi pati. And hence, the charge meet producing a big spark as well as a loud sound. This loud sound is called thunder, big spark is called lightning, and the whole process is called discharging of cloud. Let us take one more note here, that is, taller buildings and towers are prone to lightning strike. बिजली गिरने की जो ज्यादातर घटना है वो ऊंची buildings या ऊंचे towers पर होती है, tall trees पर होती है। तो these are more prone to lightning strike. Lightning strike can be life threatening. And also it can cause big loss of or damage of the property. So to avoid or to minimize, to avoid the life threat or to minimize the property damage, we have to take certain care. We have to take certain safety during the thunderstorms. So सबसे पहले हम बात करते हैं lightning safety की। Lightning safety क्या है? Lightning safety का मतलब है कि हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, कौन से प्लेसेस सेफ है, कौन से अनसेफ है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेसेस सेफ। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के दौरान कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो सकता है, वहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है। क्लोज बिल्डिंग्स, क्लोज हाउसेस और क्लोज कार्स, क्लोज बसेस आर सेफर प्लेस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो ट्राई टू स्टे इनसाइड, don't try to come out during thunderstorm. Now let us see some do's and some don'ts during the thunderstorm. First of all, let us see the don'ts. Hame kya nahi karna chahiye during the thunderstorm. Sabse pehle, don't stay in open. Agar aap thunderstorm ke time pe open mein hai to just get in yourself into a safer place. Don't stay in the open. नंबर टू, डोंट स्टैंड अंडर ए टॉल ट्री। अब आपको बताया कि ओपन में नहीं रहना है तो आप किसी ट्री के नीचे शेल्टर ले लेते हैं। इट इज
अगेन अ बिग रिस्क, क्योंकि टॉल ट्रीज आर अगेन मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्राइक एज द ओपन ग्राउंड, तो टॉल ट्री के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तीसरा, डोंट कैरी अम्ब्रेला। कई बार हम लोग अम्ब्रेला लेके चलते हैं ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तो अम्ब्रेला कैरी ना करें, बिकॉज अम्ब्रेला के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। डोंट टच द मेटल वायर्स, ईयरफोन्स, मेटल पाइप्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर प्लग्ड इन, इन सब चीजों को आप छुए नहीं। जो मेटल पाइप्स है, मेटल के वायर्स है, मेटल के डिवाइसेस है, ईयरफोन है, इनको आप बहुत ज्यादा टच ना करें, क्योंकि इनके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, इनमें चार्ज कैरी होता है। नेक्स्ट, डोंट लाई ऑन द ग्राउंड। सपोज करो कि आप ओपन में हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो आप सीधे वहां लेटे, ऐसा नहीं है। डोंट लाई इन द ओपन ग्राउंड, इंस्टेड टेक ए स्क्वैट पोजिशन। अगर स्क्वैट पोजिशन आप ले लेंगे तो आप अपने आप को बहुत हद तक बचा पाएंगे, आप सीधे ना लेटे। नंबर सिक्स, डोंट मेक फोन कॉल्स यूजिंग वायर्ड फोन। जो आपका मोबाइल फोन है वो सेफ है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, बट जो आपके वायर्ड फोन है, जो आपके वायर से जुड़े हुए फोन है, पीएनटी फोन है, उनसे आप फोन कॉल ना करें ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, तो दिस मे बी रिस्की। अगेन, डूज ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम पे? फर्स्ट, टेक शेल्टर इन ए हाउस और अंडर सॉफ्ट ट्रीज और इन क्लोज कार और बसेस। अगर आप कहीं ओपन में है तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल एक घर में जगह ले लें, आप वहां शेल्टर लें। अगर घर नहीं मिल रहा है तो जो छोटे पेड़ है झाड़ी टाइप के, आप उनके नीचे शरण ले सकते हैं, वहां शेल्टर ले सकते हैं, या अगर कोई बस या कार वहां पर खड़ी है तो आप उसमें जाके बैठ सकते हैं, ये सेफर है। नाउ स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स एंड मोबाइल फोन टावर्स। आपको ये भी करना है कि आप मोबाइल फोन टावर्स और जो ऊंचे ऊंचे खंभे हैं उनसे दूर रहें, उनके पास ना जाएं। नंबर थ्री, स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर स्क्वैट पोजीशन में आ जाए, यानी अपने दोनों हाथों को अपने नीज पर रख के बैठ जाए और अपना सिर हाथों के बीच में छुपा ले, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वैट पोजीशन। तो टेक स्क्वैट लो, लो स्क्वैट में आप आ जाए, जितना नीचे हो सके बैठ जाए। नंबर फोर, अनप्लग ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इफ यू आर इन द हाउस। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जिनमें मेटेलिक बॉडी है, जो प्रीसियस है, उन सबको अनप्लग कर दें। हाँ, लाइट्स यू कैन कीप कनेक्टेड, जो आपकी लाइट्स है आप उनको जले रहने दे सकते हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है। मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस को आप तुरंत अनप्लग कर दें, लाइक टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। नाउ एट लास्ट, यूज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स ए टॉल बिल्डिंग और ए टावर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। बेसिकली एक लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल का बहुत बड़ा सा रोड है, जिसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से थोड़ी ज्यादा ली जाती है। एक एंड ऑफ दिस कंडक्टर इज कैप्ट इन ओपन एयर एंड अदर इज ब्यूरी डीप इन द अर्थ। ये जो गहरे में हमने दबाया है ये ताकि चार्ज को नीचे ले जा सके। दिस कंडक्टर प्रोवाइड्स एन इजी रूट टू द चार्ज दैट इज एक्यूमुलेटेड ऑन द रूफ और ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच कैन कॉज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, विच कैन बी द कॉज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। दिस चार्ज इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड यूजिंग दिस लाइटनिंग कंडक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइटनिंग एंड इट्स सेफ्टी। नाउ वी शैल डिस्कस इन द अदर वीडियो अबाउट द अर्थक्वेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।